नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्माजी एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये लेक्चर लेके आया हूँ मैं विश्वेक शर्मा, आई एम अ फैकल्टी ऑफ साइंस। और ये आप देख रहे होंगे साइड में एंडोक्राइन सिस्टम में एक डायग्राम छोटा सा बना हुआ है, तो इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, उस हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, और उस हार्मोन की डेफिशिएंसी और या फिर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में निकलने से क्या डिसीजेज होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो आपको बता दूं कि आप हमारा शर्मा जी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब टेलीग्राम पे हमारा चैनल है शर्मा जी, ये लिंक है, आप इसको क्लिक करके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF और डॉक्यूमेंट और नोट्स, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप हमारा फेसबुक चैनल भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि हमें लोकेशन पहले देखनी है इन ग्लैंड्स की, कि ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। तो आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। तो इसमें केवल अगर जेनेटिकल ग्लैंड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सारी ग्लैंड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो पीनियल ग्लैंड के नीचे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही हमारा क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। इसमें आपका हाइपोथैलेमस नहीं बना हुआ है। हाइपोथैलेमस के बाद आपका, जब अगर आप यहाँ पे आइए बुकल कॉर्ड में या गले के पास आएंगे, तो यहाँ पे आपका होगा थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। और उसके नीचे आएगा थाइमस, ठीक, थाइमस के बाद जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा देखने को पैनक्रियाज यानी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट नीचे होगा पैनक्रियाज होगा। अच्छा, पैनक्रियाज तो आपको पता ही है, एड्रिनल ग्लैंड आप देख रहे होंगे किडनी के जस्ट पीछे ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ ही किडनी पे बना हुआ है। मेन चीज़ हमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो हमारा जेनेटिकल ऑर्गन है, ठीक है, मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। यहाँ पे ये दो ग्लैंड अलग अलग होती है। जेनेटिकल ऑर्गन में अगर मेल की बात करूँ तो ये होते हैं टेस्टिस, और फीमेल की बात की जाए तो ये होती है ओवरीज। अब ये टेस्टिस और ओवरी तो समझ में आ गया, अब हमें ये देखना है कि इनके हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन की चर्चा कर लेते हैं, हार्मोन देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी में पहले स्टार्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में आप देख रहे होंगे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यानी GH, इसका काम क्या होता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यू, पूरी बॉडी के जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं, टिश्यू होते हैं, केशिकाएँ होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, तंतु जो भी हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है TSH, TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या करेगा कि थायराइड ग्लैंड जो है और उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, मतलब उसको पुश करेगा, फोर्स करेगा कि वो थायराइड हार्मोन को क्या करे, प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर है ACTH, ACTH क्या होता है हमारा, ट्रोपिन, ACTH होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे इंजरी और पेन जब दर्द होता है उस टाइम पे, ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन में। फिर और कौन सा हार्मोन है, PRL, PRL है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट, ये भी क्या करेगा, मिल्क को, मेमरी ग्लैंड, मेमरी जो आपके स्तन ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, उसको स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, ये ग्रोथ को, ओवेरियन फॉलिकल जो आपकी ओवरीज होती हैं उनको और जो टेस्टिस होते हैं उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICHS और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल, मेल के अंदर होता है ये क्या करेगा कि टेस्टोस्टेरोन को मेल में और आपके डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लैक्टम, कॉर्पस लैक्टम जो आपका फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा, ADH आएगा, ADH यानी क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका क्या काम होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, किडनी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन तो काफ़ी फेमस केमिकल है, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि ये
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन मसल्स, जो मसल्स होती हैं यूटेरिन मसल्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। और ये मिल्क के इजेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है मेमरी ग्लैंड में, तभी तो ये जो आपके स्तनधारी यानी जो दुग्धधारी पशु होते हैं जैसे गाय भैंस, इनको हम क्या लगाते थे, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते थे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमको दे सकें, ठीक। अब आगे देख लेते हैं आगे कौन सी हमारी, अच्छा यही रीज़न है इतने सारे हार्मोन होते हैं जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, इसी वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं थायराइड, थायराइड क्या करता है, थायरोक्सिन यानी थायराइड कौन कौन सा हार्मोन सेक्रीट करेगा, थायराइड सेक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड सेक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक, जिसको हम बोलते हैं T4, और ट्राई आयोडो थायरोनिन इसको बोलते हैं T3। तो ये दो हार्मोन सेक्रीट करता है, इनका काम क्या होता है कि इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट यानी जो आपकी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनका रेट को बढ़ाने का काम होता है, और इन्फ्लुएंस करता है बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, यानी दोनों जो तरीके की एक्टिविटी होती है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी ग्रोथ के लिए उनको ये इन्फ्लुएंस करता है यानी बढ़ावा देता है। फिर दूसरा इसके अंदर एक और हार्मोन सेक्रेट होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज करने का, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड के अंदर होता है पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये क्या करेगा कैल्शियम एक्सचेंज करेगा कैल्शियम बिटवीन ब्लड एंड बोन्स, बोन और बोन में आपको पता है कि बोन में क्या होता है कैल्शियम होता है, ठीक है, तो बोन और ब्लड के बीच में कैल्शियम को क्या करता है एक्सचेंज करता है, ठीक है, इंक्रीज द लेवल, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, आप याद रखना कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा है लेवल को और पैराथायरॉइड हार्मोन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। फिर आते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला का काम क्या है, तो ये क्या करेगा इसके अंदर से जो हार्मोन आएगा इपिनेफ्रिन एंड नेरो नोरेफिनाइन फेरिन, एपिनोफ्राइन और नोरेफिनाइन, ये दो हार्मोन ये सेक्रीट करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये एड्रिनल मेडुला जो होता है इसका काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि हार्ट रेट को कंट्रोल करने से ये क्या करता है बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। फिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके जो हार्मोन है वो आएगा कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल में क्या होता है 95% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, 95% क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को अपने ऐड करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में इनको जोड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो इनको जोड़ता है, ठीक है, इनको एक्टिव कर देता है जब हमें स्ट्रेस में यानी परेशानी में यानी चिंतन में होते हैं, ठीक है। फिर होता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन में क्या होता है 95% ऑफ मिनरल ओकोर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरल ओकोर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बैलेंस करता है ये वाला हार्मोन। नेक्स्ट आता है सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं आपका क्या आएगा पैनक्रियाटिक आइसलेट, पैनक्रियाटिक आइसलेट आइलेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स क्या करता है इंसुलिन सेक्रीट करता है। अच्छा इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करना, ठीक है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर तो वो क्या बन जाएगा आपको डायबिटीज हो जाएगी। फिर दूसरा होता है ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा और ग्लूकाजोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। फिर आपके आते हैं जेनेटिकल ग्लैंड्स के अंदर जिसको बोलते हैं टेस्टिस, मेल जेनेटिकल ऑर्गन्स होता है, ठीक है, ये क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा सेक्रीट करेगा। टेस्टोस्टेरोन मैं बता दूं कि मेल के अंदर केवल एक ही जेनेटिकल हार्मोन सेक्रीट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि ये जितनी भी हमारी प्यूबर्टी है जेनेटिकल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे टेस्टिस और पेनिस, इन सबको ग्रोथ करने के लिए कौन जरूरी होता है टेस्टोस्टेरोन जरूरी होता है, ठीक है।
जैसे हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, बॉयज़ में चेंजिंग होती है, ठीक है, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। फिर आता है ओवरीज यानी फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन। फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन यानी ग्लैंड है ये, तो इस ग्लैंड में क्या, ये दो हार्मोन सेक्रेट करती है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन को हम एस्ट्राडायोल भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के ऊपर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एस्ट्रोजन का काम क्या है। ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन्स, जैसे यूट्रस ट्यूब जो होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के काम आता है। दूसरा होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे ब्रेस्ट हो गया और इन सब चीज़ों को, पेल्विक टू चेंज इन पेल्विक, ठीक है, और ब्रॉडर शेप जैसे क्या बोलते हैं ब्रेस्ट का चौड़ा होना, और इन सबको करेक्टर को कौन डेवलप करता है, एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होते हैं। फिर दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, सेकेंडरी करेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। सेकेंडरी करेक्टर जैसे मेमरी ग्लैंड, इनको डेवलप करेगा, और यूट्रिन की लाइनिंग जो होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ओबम, इन सबको क्या करेगा, डेवलप करने का काम करेगा, ओके। फिर आपका आता है थाइमस। थाइमस के अंदर आता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या होता है कि टी सेल्स को एक्टिव करना है इम्यूनिटी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टी सेल्स को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। फिर पीनियल ग्लैंड आता है। पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन क्या करता है, ये मूड रेगुलेट, मूड, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड डेली साइकिल इन रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट इन द एनवायरमेंट। आपके प्रतिदिन का जो मूड होता है, आपका कुछ काम करने का मूड हो या ना हो, ये सारा का सारा कौन करता है, ये करता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आपको एक और बता दूं कि हाइपोथैलेमस से एक डोपामाइन नाम का एक डोपामाइन भी सेक्रेट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से आपका आता है डोपामाइन, ठीक। जो डोपामाइन क्या होता है, एडिक्शन करता है, किसी भी चीज़ को खुशी प्रदान करता है। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक खुशी मिलती है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, डोपामाइन की वजह से। डोपामाइन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, इस पूरी घटना चक्र में एक बात याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। अब आगे देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा हार्मोन आ जाएं या कम हार्मोन का सेक्रीशन हो तो उसकी वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि ग्रोथ हार्मोन है, अगर हाइपर सेक्रीशन का मतलब होता है कि ज़्यादा सेक्रीट होना, और हाइपो सेक्रीशन का मतलब होता है कम सेक्रीट होना। हाइपर माने ज़्यादा है, हाइपो माने कम। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रीट होंगे तो क्या होगा, जिगांटिज्म हो जाएगा, मतलब बच्चे क्या हो जाएंगे, अचानक से बहुत बड़े लगने लगेंगे, ठीक है, गाइगेंटिक हो जाएंगे, मतलब राक्षस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक्रोमेगेली, ये एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या होता है, गाइगेंटिज्म होता है, और बड़ों के अंदर क्या होता है, एक्रोमिगेली होता है। अगर मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या आ जाएगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगा, यानी बच्चे बौने रह जाएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो ये समझ में आ गया कि ज़्यादा होगा तो आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर कम होगा तो आपकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक। सेम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, SIADH हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। एडोलेस्टेरॉन होगा, एडोलेस्टेरॉन से क्या होगा, एडोलेस्टेरॉनिज्म हो जाएगा ज़्यादा से, और इससे क्या होगा, एडिसन डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप पढ़ लेना, मेन तो इसमें क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर ज़्यादा निकलेगा, और अगर कम होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। ये याद रखना कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा जब ज़्यादा निकलेगा इंसुलिन, और कम निकलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ओके। और एक और याद रखना कि आपका एक और हार्मोन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, गोइटर होता है। गोइटर क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन निकलता है। तो अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ
कोई भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।